नमस्कार दोस्तों, आज 21 मार्च 2024 का दिन है और आज की हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। आज की पहली इम्पोर्टेंट घटना है, गेल इंडिया लिमिटेड ने देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई को स्थापित किया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई वन डे एग्जाम आप दे रहे हो, ये क्लासेज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न केवल हम करंट अफेयर्स से संबंधित आपको फैक्चुअल डाटा प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ ही उस घटना से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट और उसके पीछे अगर कोई स्टैटिक्स फैक्ट भी जुड़ा होता है तो उसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो आप सिविल सर्विस एग्जाम के साथ अगर कोई वनडे एग्जाम का पेपर भी देते हैं तो आपको उसके लिए भी यहाँ पर पर्याप्त फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं ये सभी। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई कहाँ स्थापित की है, तो आपको याद रखना है विजयनगर मध्य प्रदेश में। चूंकि ये देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 17वीं BPSC वाले ध्यान से सुन लें, आपके एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं और जिस तरीके से 29वीं BPSC में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी नए ट्रेंड पैटर्न को देखते हुए आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर से बाहर ना हो, यहीं से सभी आपको प्रश्न मिल जाए। तो याद रख लीजिए, विजयनगर मध्य प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड ने देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई को स्थापित किया। अब गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1984 में। 17वीं BPSC में स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन बनने लगे, जैसे UPSC में पूछे जाते हैं, तो एक तो स्टेटमेंट ये हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट आप इसके स्टैटिक से जुड़ा हुआ दे सकता है, गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना इस सन में हुई थी। 1984 होगा तो सही, अन्य कोई सन होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो गेल इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1984 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत यह एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस के प्रभावी एवं समुचित उपयोग में तेजी लाना एवं उसको अनुकूल करना है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है या महारत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये जो एलएनजी है यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस है, इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, और ये बन जाता है क्वेश्चन आपका साइंस के केमिस्ट्री वाले सेक्शन से। तो तरलीकृत गैस यानी एलएनजी गैस में जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वो होती है मेथेन 90%। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एलएनजी में सामान्यतः सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, तो अब आपका जवाब होना चाहिए मेथेन। लेकिन इसके साथ अन्य गैसें भी इसमें मौजूद होती हैं, जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अल्प मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एलएनजी गैस में सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन होंगे, उन चार ऑप्शनों में ये सभी ऑप्शन दिए होंगे और एक अन्य कोई गैस होगी, तो आपको याद रखना है एलएनजी गैस में मीथेन सर्वाधिक 90% होती है, इसके साथ एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अल्प मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है। तो ये सभी तथ्य आपको याद करते जाना है, समझते जाना है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई विजयनगर मध्य प्रदेश में स्थापित की है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अगली खबर क्या है, सखी गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष यात्री क्षमताओं को बढ़ाना है। तो सखी नामक एक नवीन एप्लीकेशन विकसित किया गया है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, खबरों में रही सखी निम्नलिखित में से संबंधित है। अब आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, अब आपको उसमें छांटना होगा जो सखी एप्लीकेशन है ये किससे संबंधित है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगन अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नोबेल हब फॉर ट्रू इंटरेक्शन यानी सखी नामक एक नवीन एप्लीकेशन को विकसित किया है। तो जो सखी एप्लीकेशन है ये किसके लिए, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए। अगली खबर है नाटो के संदर्भ में, अभी हाल ही में नाटो का एक कार्यक्रम जिसका नाम है डायना चर्चा में रहा। तो डायना कार्यक्रम क्या है, इसको जानने से पहले नाटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि नाटो जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से लगातार चर्चा में है और ये लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो नाटो के बारे में पहला फैक्ट आपको याद रखना है, नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई थी। अमेरिका और कुछ पश्चिमी यूरोपियन कंट्रियों ने मिलकर एक नाटो नाम का संगठन बनाया, किस लिए, सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का अभी हाल ही में स्वीडन 32वां सदस्य बन गया है, इस तथ्य को आप याद रखना। तो अब हम लोग डायना कार्यक्रम
के बारे में देखते हैं जो अभी चर्चा में है, खबरों में है। डायना एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो द्वारा स्थापित संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता में तीव्रता लाना, यानी नवाचार को बढ़ाने के लिए डायना संगठन को नाटो के द्वारा स्थापित किया गया था। जितने भी नाटो के सदस्य हैं, जो अभी 32 सदस्य हो गए हैं वर्तमान में, ये सभी सदस्य डायना संगठन के सदस्य हैं। तो इसे आप याद रखना, डायना कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो नाटो के द्वारा ये चलाया जा रहा है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। अगली खबर है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 अधिसूचित किए गए हैं। आप यूपीएससी 2024 का एग्जाम दे रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस और 17वीं बीपीएससी वाले अलर्ट हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट की तरह। यानी चार स्टेटमेंट होंगे, उसमें आएगा एक दो सही है, एक दो तीन सही है, एक तीन सही है, एक दो तीन चार सभी सही हैं। तो सभी तथ्य यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो 2024 अधिसूचित किए गए हैं, इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला तथ्य तो यही है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, यानी जो ये नए नियम संशोधित किए गए हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन है, यानी जो 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में नियम बनाए गए थे, उसमें संशोधन करके कुछ और नियम भी जोड़े गए हैं। और ये किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अब जो नए नियम जोड़े गए हैं, संशोधित किए गए हैं, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला क्या है? जिला स्तरों पर पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के संदर्भ में। जिला स्तर पर उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट तथा उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन करने के लिए नया नियम जोड़ा गया है। गौरतलब है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण आदि की जिम्मेदारी के लिए प्रावधान किए गए थे। प्लास्टिक के निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों की क्या जिम्मेदारी होगी इन नए नियमों के अनुसार प्लास्टिक के प्रबंधन में, तो इसे देख लेते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद को बाजार में लाने वाला व्यक्ति या ब्रांड उस प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा, इसे भी आप लोग याद रखें। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को उपयुक्त जिम्मेदारी में शामिल माना गया है। अब EPR से क्या आशय होता है, यानी विस्तारित निर्माता उत्तरदायी से क्या अर्थ होता है? तो किसी उत्पाद की उपयोग अवधि की समाप्ति तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन हेतु निर्माताओं की जिम्मेदारी से ये संबंधित होता है। यानी कोई उत्पाद है, उसकी उपयोग की जितनी अवधि है उसके समाप्त होने तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन हो, यह विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व कहलाता है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के संदर्भ में ये कुछ नियम हैं, आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य बताए गए हैं, जैसे प्लास्टिक के प्रत्येक निर्माता और प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल के प्रत्येक आयातक हेतु त्रैमासिक एक वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी जो कंपनी प्लास्टिक को बना रही है या फिर प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल के लिए दूसरे देश से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है रॉ मटेरियल, उस संदर्भ में त्रैमासिक यानी हर तीसरे महीने एवं वार्षिक यानी सालाना रिपोर्ट जो है वो जमा करना अनिवार्य किया गया है। और ये रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। और किसे ये सौंपनी होगी रिपोर्ट? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंपनी होगी। इम्पोर्टेंट है, इस तथ्य को आप याद रखना। जिला स्तर पर प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायत के लिए भी शहरी या ग्रामीण विकास विभागों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति में वार्षिक रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य किया गया है। इन रिपोर्ट्स का ऑडिट यही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर प्रदूषण नियंत्रण समिति या नामित एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में नए नियम लाए गए हैं, और इसमें स्थानीय स्तरों पर भी प्लास्टिक का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो, इस पर जोर दिया गया है। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखना। इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ, जहाँ से आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और बाद में इनका रिवीजन भी कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है भारतीय सेना के संदर्भ में। भारतीय सेना ने अभी भविष्य के युद्धों के लेकर
एक विशेष प्रौद्योगिकी इकाई एसटीएग की स्थापना की है। तो आप इसे याद रखना, एसटीएग की स्थापना की गई है भारतीय सेना द्वारा भविष्य के युद्धों के लेकर। यह विशेष प्रौद्योगिकी इकाई है। एसटीएग का फुल फॉर्म क्या होता है? सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम, 6G नेटवर्क जैसी जो नवीन प्रौद्योगिकियाँ हैं उनके अनुसंधान और मूल्यांकन करने वाली एक अपनी तरह की पहली इकाई है जिसे भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, कर्नाटक गिग वर्कर्स की सेवा शर्तों और कल्याण विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गिग वर्कर्स के लिए मसौदा आया है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी क्या होती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोविड-19 के बाद लगातार ये गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स चर्चा में है, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हालांकि आप एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें देख लेते हैं कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कानून बनाया है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुसार देखें तो गिग वर्कर से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधी के दायरे से बाहर रहते हुए कार्य करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसे कार्य से आय अर्जित होती है। सिंपल अगर इसको डिफाइन करें, मान लीजिए आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आप जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं वहाँ से तो आय अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप किसी अन्य तरीके से, और जब से ये डिजिटलाइज्ड चीज़ें सभी हुई हैं तो आप देखते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और साथ ही आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्ट टाइम कुछ समय के लिए आप किसी दूसरी कंपनी में भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, यानी आप जहां काम कर रहे हैं उसके दायरे से बाहर हटकर आप किसी दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं और वहां से आप अपने लिए आय अर्जित कर रहे हैं, तो वो जो कार्य है वो गिग वर्क्स के रूप में ऐड होता है और जो व्यक्ति इस तरीके से इन्वॉल्व होता है वो गिग वर्कर्स की श्रेणी में आ जाता है। गिग वर्कर्स को हम मुख्यतः दो श्रेणी में बांट सकते हैं, पहला तो प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, दूसरा गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स से क्या मतलब है? इसमें ऐसे वर्कर्स शामिल हैं जो किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं जैसे स्विगी या जोमैटो। वहीं गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स क्या हैं? इसमें पारंपरिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले कैजुअल वर्कर्स शामिल होते हैं। ऐसे वर्कर पार्ट टाइम या फुल टाइम आधार पर काम करते हैं। तो गिग वर्कर्स का अब बेसिक मतलब बस यही समझें कि ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधित दायरे से बाहर हटकर, यानी अपनी कंपनी में तो काम कर ही रहा है, वो उस कंपनी के दायरे से बाहर हटकर किसी दूसरी जगह भी काम कर रहा है और अपने लिए आय अर्जित कर पा रहा है, तो वो गिग वर्कर्स की श्रेणी में आएगा। नीति आयोग के अनुसार एक डाटा आया है, अब गिग वर्कर्स के द्वारा जो भी आय जनरेट हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? गिग इकोनॉमी कहलाएगी। तो 2020-21 में देखा गया कि लगभग 6% यानी 7.7 मिलियन गैर कृषि कार्यबल गिग इकोनॉमी का हिस्सा था, और वहीं 2029-30 तक ये जो संख्या है 23.5 मिलियन तक हो जाने का अनुमान है। यानी नीति आयोग के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार जो है अब गिग इकोनॉमी में बढ़ावा हो रहा है और जैसे जैसे डिजिटलाइज्ड हो रहा है, आप देख रहे हैं कि लोग एक कंपनी में काम करते हैं और किसी दूसरी कंपनी में ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़कर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, अपने घर पर आकर भी काम करते हैं, तो इससे वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाते हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स की घटनाओं को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में नामांकित पांडुउला गुट्टा तथा रामगढ़ क्रेटर निम्नलिखित में से किन राज्यों से अवस्थित है? बस आपको इन नामों को याद रखना है, ये जो प्लेस दिए जा रहे हैं ये किस स्टेट से संबंध रखते हैं ये चर्चा में है। तो पांडुउला गुट्टा तेलंगाना में है और रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर है? राजस्थान का। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह ये स्थानों के स्टेट जो हैं वो छप जाएं, अगर ऑप्शन में आए पूछा जाए तो आप ऑप्शन देख के उसको राइट कर सकें। पांडुउला गुट्टा हिमालय पर्वत से पहले एक प्राचीन भूवैज्ञानिक आकृति है जिसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। यानी जो ये पांडुउला गुट्टा है तेलंगाना का एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित है, और दूसरा जो राजस्थान है वो रामगढ़ क्रेटर की जो उत्पत्ति है राजस्थान की ये उल्का प्रभाव के कारण हुई थी। आप जानते हैं क्रेटर जो आकृति बनती है ये बेसिकली उल्का प्रभाव के द्वारा ही बनती है, यानी कोई उल्का अंतरिक्ष टूटकर जब पृथ्वी पर गिरता है तो इस तरीके की कुछ संरचना हो जाती है। तो ये जो रामगढ़ क्रेटर है कहाँ पर है? राजस्थान में है, इसे याद रखना, ये थोड़े से चर्चा में है तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति ने प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल। अब हम लोग प्रसार भारती बोर्ड
के बारे में देख लेते हैं। स्टेटमेंट में इस तरीके के ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के द्वारा राष्ट्रपति ने चयन समिति की सिफारिश पर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। तो ये जो प्रसार भारती भारती बोर्ड के अध्यक्ष जो नामित किए जाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर यह काम करता है। अब ये जो चयन समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो भारत के उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश पर प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष पद की नियुक्ति करते हैं। हालांकि ये जो चयन समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ये जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होता है उस अवधि तक जो है इस पद पर बने रहते हैं। चयन समिति में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक अन्य सदस्य भी शामिल होता है और जो वर्तमान में जो नया सदस्य बनाए गए हैं उनका नाम है नवनीत कुमार सहगल। तो ये सभी तथ्य याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का क्वेश्चन आप डे देख लेते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है, आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो हमने सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा की जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि सभी घटनाएं तो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो नए एग्जाम ट्रेंड पैटर्न को देखकर ये सभी आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराएं और जहां हैं वहां सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद। इन सभी न्यूज़ों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। टेलीग्राम पर जो पीडीएफ प्रोवाइड होता है उससे आप शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि उनका समय समय पर रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।